दिल्ली सरकार के एक बड़े अधिकारी पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। जो पीड़ित है वो अस्पताल में भर्ती है और पीड़िता से मिलने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पिछले एक घंटे से ज़्यादा समय से धरने पर बैठी हुई हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित लड़की से उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, आप मिलना चाहती हैं पीड़ित से, तो क्या दिक्कत हो? दिल्ली पुलिस के अस्पताल को इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे हमें अस्पताल वालों ने बताया है। डीसीपी और एसीपी अंदर बैठे हैं और उन्होंने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि स्वाति मालीवाल को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि 10 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के सेंसिटिव मैटर में अभी तक अरेस्ट नहीं करा। और दूसरी बात, जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष आके लड़की से मिलना चाह रही है, समझना चाह रही है कि कहीं उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, वो ठीक है, उसकी क्या हालत है, अस्पताल ठीक से ट्रीटमेंट दे रहा है, काउंसलिंग ठीक से हुई है, उसको क्या जरूरत है, कॉम्पनसेशन मिली है या नहीं मिली है, तो मुझे ही नहीं जाने दे रहे। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को छुपाना चाह रही है। हर केस में मैं मिलने जाती, इस केस में क्यों रोका जा रहा है, क्यों मुझे यहाँ पे धरने पे बैठने की जरूरत पड़ रही है? कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस से रेपिस्ट तो अरेस्ट होते नहीं, गुंडागर्दी करती है, दिल्ली महिला आयोग पे जोर चला रही। तो इनको बता दूं, मैं धरने पे बैठी हूँ, जब तक मेरे को नहीं मिलने देंगे तब तक यहाँ बैठी रहूंगी। आपकी कोई बातचीत हुई पुलिस से कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, कब तक जाने दिया जा रहा है, क्यों ऐसा रोकना पड़ रहा है? छुपके बैठे अंदर, मैं बुला रही हूँ कि बाहर आके बात तो करो, कोई आ ही नहीं रहा। बस जो अस्पताल के अफसर हैं उनको आगे कर दिया, वो तो साफ साफ बता रहे हैं। मैंने उन्हें बोला भी कि भाई आप लोग इल्लीगल काम मत करिए दिल्ली पुलिस के कहने पे, दिल्ली पुलिस अगर आपसे इल्लीगल ऑर्डर दे रही है तो आप क्यों कर रहे हो? लेकिन अस्पताल वाले जब अंदर डीसीपी और एसीपी धमका रहे हैं तो कैसे मुझे अंदर घुसने देंगे? तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी रहूंगी। उस सर्वाइवर से मिलना बहुत जरूरी है। इस आदमी का ना सिर्फ अरेस्ट, फास्ट ट्रैक केस में इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसकी बीवी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया, उसके ऊपर भी तो एलिगेशंस हैं। क्यों दिल्ली पुलिस ने 10 दिन तक काम नहीं करा? दिल्ली पुलिस जैसे ही कोई अफसर इन्वॉल्व होता है या कोई बहुत बड़ा एमपी जैसे बृजभूषण सिंह इन्वॉल्व होता है, इनके ऊपर पॉक्सो का केस भी हो जाता है, तब भी दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी करती, अरेस्ट ही नहीं करती। तो इनके दोहरे मापदंड क्यों है? किसने रोका है दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करने से? और मैं ये नहीं समझ पा रही दिल्ली पुलिस को मेरे को अंदर जाने से कौन रोक रहा है। बहुत ही शर्म की बात है। आई शुड बी अलाउड टू मीट द सर्वाइवर एंड डू माई वर्क। लेकिन सवाल अब आप पे भी उठ रहे हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा कह रही है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष इस मामले में इतनी देरी से क्यों जागी हैं, पहले क्यों नहीं, जबकि खुद दिल्ली का मामला। इस पर आप, जैसे ही मुझे केस के बारे में पता चला मैं आके बैठ गई। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ ऑफिसर से बात करने की, मेरे को मीटिंग करने दो, जब वो बिल्कुल मना कर रहे हैं तो मैं खुद आई यहाँ पे। तो जैसे ही मुझे केस के बारे में पता चला मैं यहाँ बैठी हूँ। ये जितने भी नाम आपने अभी लिए, क्या वो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछेंगे कि मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड का आयोग है, हम एयर कंडीशन ऑफिस से काम नहीं करते, ये जाने नहीं देंगे तो मैं देखती हूँ कितनी हिम्मत है और कब तक नहीं जाने देंगे। यहीं बैठूंगी और यहीं से लड़ाई लड़ूंगी और इस लड़की की आवाज होंगी। मैं भी देखती हूं कि इस आदमी को जो WCD डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसको कौन बचा सकता है? लेकिन मैम, सवाल ये भी तो उठ रहा है ना कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में इस तरीके के मामले लगातार आ रहे हैं, खुद एक बड़ा अधिकारी वो भी ये सब काम कर रहा है, तो कैसे सवाल नहीं उठेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। WCD मिनिस्ट्री, इस आदमी का काम है पूरी दिल्ली में जितनी महिलाएं और बच्चियां हैं इनका ध्यान रखना, इनकी मदद करना। हमने तो दिल्ली सरकार को नोटिस करके ये भी जवाब मांगा है कि भाई ये बताओ कितने और सेंसिटिव पोस्ट पे ये बैठा हुआ था और कितने कंप्लेंट्स इसके खिलाफ कभी आई है, क्योंकि तो 20 साल से सर्विस में है। और क्या बैकग्राउंड चेक होता है इस तरीके के ऑफिसर्स का? जब ये अपॉइंट होते हैं, परमानेंट पोजीशन मिल जाती है, तब तो बैकग्राउंड चेक होता है। क्या हर साल कोई चेक होता है क्या पूरे देश में? क्योंकि पूरे देश में WCD मिनिस्ट्रीज हैं और उन सब में बहुत सारे मेल ऑफिसर्स काम करते हैं, उनकी क्या चेक होती है? तो दोनों चीजों पे काम करना जरूरी है, अरेस्ट और सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है। उसकी बीवी भी अरेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस बात में भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम ढंग से क्यों नहीं करा। और साथ में एक तरीका निकालने की जरूरत है कि सरकार में दोबारा ऐसा कोई ऑफिसर, एंड आई वुड लाइक टू से सरकार और पुलिस में ऐसा कोई ऑफिसर ना हो जो रेपिस्ट मेंटालिटी का हो। आप कब तक ऐसे धरने पर बैठी रहेंगी? मैं धरने पे ही बैठूंगी जब तक दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं करती। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे आ रही है तो उन्होंने भी मेरे से टक्कर ली है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं भी तब तक बैठी रहूंगी जब तक ये अलाउ नहीं करती। देखती हूँ कब तक नहीं अलाउ करेंगे। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को मेरा काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? गुंडागर्दी करती है दिल्ली पुलिस, DCP और AC में इतनी शर्म नहीं है कि आके बाहर बात कर ले? बताए तो सही, व्हाई एम आई बीइंग स्टॉप्ड? आई नीड टू नो, आई एम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, आई रन द रेप क्राइसिस सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट देम, एंड दे आर नॉट अलाइंग।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं, एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। सामने अस्पताल है, अस्पताल के बाहर गार्ड मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर क्यों उन्हें रोका जा रहा है, जबकि वो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, पीड़ित से मिलना चाहती हैं, उनसे बातचीत करना चाहती हैं, समझना चाहती हैं कि क्या परेशानी है, किस तरीके से ये सब चीज़ें होती रही और कहीं ना कहीं आरोपी को पकड़ने की मांग के साथ साथ सख्त से सख्त सजा की मांग भी कर रही है स्वाति मालीवाल। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब तक उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक उसी तरीके से अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी रहेंगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।